हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पवन सिंह की वीडियो। मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देती हूँ। पवन सिंह आज लखनऊ में गरीब माँ को बांटे खाना, मतलब जो भी गरीब हैं वहाँ पे उन लोगों को खाना बांटा है पवन भैया ने। तो ये वीडियो प्रॉपर पवन भैया ने नहीं बनाई है, कोई स्टेज शो नहीं, कुछ नहीं, किसी ने शूट करी है। तो वो एक क्लिप है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। हेलो, हम लोग वृद्धाश्रम को भोजन कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम ही लोग हैं। ये देखो चावल खाना बांट रहे हैं वृद्धाश्रम में आके। क्या 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 बहुत पुण्य की बात है ये। आउट जनक दुलारी दादी, ये बहुत समय से हम लोगों को अरे वो तो ले लिया हमने, लिया वो खाएंगे नहीं। ये पवन भैया ये 90 साल के शरीर के हैं, 90 साल के मदन मोहन गुप्ता बाबा। चलिए खाना खाने बाबा। वृद्ध लोगों का भोजन का आयोजन किया गया है उसकी तरफ से। अभी अभी तो कितने बुजुर्ग हैं देखो। नमन जब आए थे तो दिखता नहीं था दोनों आंखों, दिखने लगा ऑपरेशन करा लिया। जर्नी बाबा हमारे आश्रम के बहुत अच्छे सिंगरों में गाना भजन बहुत बढ़िया था। क्या लोग अच्छे बहुत ही नेक काम है ये, बहुत ज्यादा। ये दादी रेस्क्यू है पुलिस थाने से, बहुत मस्त है दादी, खूब भजन और गाना गाती, खूब हंसाती है। भैया ये रेस्क्यू टीम आ रही है पुलिस के माध्यम से, भूल गए कि रास्ता यहाँ से। आप अपना नंबर दीजिए मुझे, यहाँ कभी भी कुछ भी चाहिए। भैया एक ही केवल जरूरत है पूरे आश्रम को, जिसका लाभ पूरा आश्रम उठाएगा। एसी है हम लोगों को यहाँ 3-6 डेक चाहिए।
ठीक है, जो भी चाहिए यहाँ सब आपको बाहर आई, दिखा आई, 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 आई। क्या चाहिए अच्छे से सुना नहीं, प्लीज आप बताएं। आइए आराम से, दादा निकल जाइए, आराम से खाइए आप। माता पिता की सेवा के लिए जो भी चाहिए यहाँ होगा, केवल एक टीन शेड, टीन शेड किनारे वाले सर, यही दीवार पे जहाँ वो है। नमन। तो जी बहुत अच्छी वीडियो थी, पवन भैया बहुत ही मतलब पुण्य का काम कर रहे हैं और उनका ये मानना कि माता पिता की सेवा के लिए जो कुछ भी चाहिए प्लीज़ मुझे बताएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे किसी की हेल्प करना, या ये एक दान है, ठीक है ना, और ये हर किसी को अपनी लाइफ में करना ही करना चाहिए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा करें। पवन भैया पूछ रहे थे एसी वगैरह कुछ है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं, लेकिन टीन शेड कह रहे हैं कि टीन वगैरह कुछ लगाने के लिए, तो पवन भैया लगवा देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे बता दें, मैं वो कर दूँगा। तो अच्छा लगता है ऐसी वीडियो बनाने से। आप लोग ये मत सोचे कि वो दिखावा कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, दिखावा नहीं होता, ये एक मोटिवेट करते हैं इंसान कि देखो। और ये उन्होंने खुद तो बनाई नहीं, किसी और ने बनाई है, कि अगर देखो हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उस एक इंसान उसको देख के, दस इंसान, सॉरी एक इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा है और उसको दस इंसान देख के अगर दो इंसान भी उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है ऐसा। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितनी लोगों की हेल्प कर सकते हो, जितना आप लोग दान कर सकते हो उतना करें, उससे आप लोगों का भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है ना, देखो अगर हम कुछ ऐसा करने की नीयत रखते हैं ना, तो भगवान आपका हाथ कभी खाली नहीं रखता, वो हमेशा ऐसा ही रखवाता है, कभी ऐसा नहीं करने देता। तो आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन दान करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। तो मुझे अच्छी लगी वीडियो, आप लोग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।